अस्सलाम वालेकुम जी। ओपन सीवी के एक और वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अब हम इसमें करेंगे चैप्टर नंबर 17 को। चैप्टर अंडरस्कोर 17 डॉट पाइथन की फाइल बना ली हमने और इस चैप्टर में हम सिंपली दो इमेजेस को ज्वाइन करके देखेंगे। ठीक है, ज्वाइनिंग टू इमेजेस। इमेजेस को ज्वाइन करने के लिए आपको थोड़ा सा जो बैकग्राउंड है इसका मैं बता दूं। ज्वाइन करने का मकसद क्या होता है? ज्वाइन करने का असल में मकसद होता है कि आप किसी भी इमेज को उसकी पर्सपेक्टिव की बेस पे साइड बाय साइड दे सकें। ठीक है, तो इसमें ये होता है कि हमें जब बहुत ज़्यादा इमेजेस हमारे पास आ जाती हैं तो हम उनको ज्वाइन करके भी देखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले इम्पोर्ट करेंगे CV2 एज CV, जो हमारी ओपन CV की लाइब्रेरी है उसे इम्पोर्ट कर लिया। फिर हम करेंगे इम्पोर्ट NumPy एज NP, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है इसके लिए। फिर आप अपनी इमेज जो है उसे इम्पोर्ट करेंगे IMG के लिए, CV.IMRead या ImageRead। रीड करने के बाद हम रिसोर्सेज, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर रिसोर्सेज / IMAGE.png, ये हमने एक इमेज को यहाँ पे लोड किया है। रिसोर्सेज के अंदर हमने इमेज रखी हुई है, ये PNG वाली, ये इसको हमने लोड कर लिया। ठीक है, लोड करने के बाद अब हम इन्हें स्टैक करेंगे। दो तरह के तरीके होते हैं, हम पहले देखते हैं इसी इमेज को दो तरफ हमने स्टैक करना है, स्टैकिंग सेम इमेज। ठीक है, इसको करना है। पहला जो तरीका है वो है हमारा हॉरिजॉन्टल स्टैक। ये क्या होता है, मतलब साइड बाय साइड दो इमेजेस को हमने स्टैक करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको हॉर इमेज बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल इमेज इज इक्वल टू होगा, हमने NumPy की लाइब्रेरी यूज़ करनी है और H स्टैक। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्टैक करना है इसे। किस चीज़ को स्टैक करना है, डबल ब्रैकेट हम डाल के IMG, IMG, दोनों IMG वाली हमने स्टैक कर ली। स्टैक करने के बाद हम इसे शो करवाते हैं CV.IMShow। इसके अंदर हम लिखेंगे, विंडो का नाम कर देते हैं हॉरिजॉन्टल स्टैक का विंडो कर देते हैं और इसमें हमने करना है hor_img। इसको हमने शो किया, CV.Weight की हमने लगाई जिसको हमने ज़ीरो कह दिया, या पिछले वीडियोस में आप देख चुके हैं CV.DestroyAllWindows करने के बाद हम इसे रन करके देखते हैं कि क्या हमारे पास रिजल्ट आते हैं। तो आप ये देखें कि ये हमारे पास इमेज एक स्टैक हो गई है। ठीक है, साइड बाय साइड ये दोनों इमेजेस हमारे पास आ गई हैं। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पे हम इसकी इमेज जो है इसका साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, चले साइज़ को रहने दें, हमारे पास हॉरिजॉन्टल स्टैक आ गई है। अब हम इसे वर्टिकल स्टैक कैसे करना है, सिंपली #, यहाँ पे इसको मैं कहता हूँ वर्टिकल स्टैक। अब आप में से काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा मैंने क्या करना है, सिंपली इसको कहना है var_stack इज इक्वल टू np.vertical_stack vstack। करने के बाद यहाँ पे img और img कर दिया। ठीक है, तो ये वर्टिकल स्टैक हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि वर्टिकल स्टैक जो है उसे किस तरीके से शो करना है। मैं इसी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद हॉरिजॉन्टल की बजाय हम लिख देते हैं वर्टिकल लिख दिया और यहाँ पे VER इमेज लिख दिया। ठीक है, जो ही हमने VER इमेज करना था IMJ। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ वरना ये भी इसके अंदर ओपन हो जाएगी। ये देखें जी, वर्टिकल स्टैक इस तरह होगी। आप ये इसकी जो विंडो है वो थोड़ी सी बड़ी है, यू कैन एक्चुअली रीसाइज दिस इमेज और आपको ये अच्छा रिजल्ट दे देगी। तो इस तरह आप ऊपर नीचे दो इमेजेस को स्टैक कर सकते हैं, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो ये दोनों इमेज हो गई। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि यू कैन ओनली स्टैक इमेजेस विद सेम शेप। ठीक है, शेप क्या है, जिसमें आपके पास एक विड्थ आती है, हाइट आती है और कलर चैनल आते हैं। ठीक है, जिसको हम इस तरीके से कुछ लिखते हैं, आपको पता होगा 600, 500, 3। तो ये BGR या RGB चैनल जो होंगे वो सेम इमेज वाले होंगे और सेम इमेज स्टैक कर सकते हैं। आप ग्रे के साथ दूसरी इमेज स्टैक नहीं कर सकते। करनी कैसे है, दैट इज़ योर असाइनमेंट। यू हैव टू डिफाइन अ फंक्शन टू स्टैक
multiple images of different sizes and tunes. बहुत ईजी है, इसको आप नेट पे देखेंगे तो आपको पता चले जाएगा कि हमने किस तरीके से अपनी इमेजेस को डिफाइन करना है और स्टैक करना है. इसमें एक और प्रॉब्लम आती है जिसको हम बोलते हैं कि वी कैन नॉट रीसाइज द स्टैक इमेज. ठीक है, कर सकते हैं बट फंक्शन डिफाइन करना होगा अपने लिए खुद. जारी बात है, हर चीज़ की मैनिपुलेशन के लिए यू हैव टू डू समथिंग. और सेम नंबर ऑफ चैनल्स होने चाहिए, ऑफ चैनल्स टू यूज़ एन पी फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपके पास सेम नंबर ऑफ चैनल्स होने चाहिए. तो क्रिएट फंक्शन करें और इस पर प्रैक्टिस करें कि किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं. तो ये चैप्टर नंबर 17 बड़ा ही छोटा सा चैप्टर था जिसमें हमने चेक किया कि टू इमेजेस को हम ज्वाइन कैसे करते हैं. इसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास एक यहाँ पे फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड वाइट इमेज है, आपके पास ये वाली इमेज है और तीसरी चौथी दूसरी इमेजेस हैं, तो आप सभी को एक ही विंडो में साइड बाय साइड देख सकते हैं, जो हमने पिछली वीडियोज़ में डिफरेंट कैम के साथ किया था. यू कैन ऑल्सो एक्चुअली ज्वाइन डिफरेंट अदर जो वीडियोज़ हैं उन्हें भी, लेकिन वो हम लेटेस्ट स्टेजेस में देखेंगे. थैंक यू जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर.